आज बहुत दिनों के बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ और आप मेरे पीछे देख सकते हो पूरे जिराफ है। और हम आए आज ऑकलैंड जू में। ऑकलैंड जू एक अच्छा खासा बड़ा जू है यहाँ पे। तो अब पूरा इन्फॉर्मेशन बताऊँगा, मुझे कितनी फ़ीस लगी, क्या लगी, यू नो कितना टिकट्स लगा, हम लोग पूरे फैमिली पास में सब कुछ इन्फॉर्मेशन देगा। बने रहना इस वीडियो में मेरे साथ। व्हाट्स दैट अजया? ऑस्ट्रिच। व्हाट्स दैट? ऑस्ट्रिच। अभी इंग्लिश में इसको तो ऑस्ट्रिच बोलते हैं, देन मराठी में मुझे मालूम है शाहमुर्ग बोलते थे हम लोग इसको। हिंदी में मुझे नहीं मालूम है गाइस इसका नाम क्या है, बट आप प्लीज़ अगर आपको मालूम है हिंदी में तो कमेंट में लिख देना हिंदी में इसको क्या बोलते हैं। ओके, तो बस मराठी में शाहमुर्ग और इंग्लिश में ऑस्ट्रिच बोलते हैं, सब मैंने सुना है। I've seen a lot of change, been through a lot of pain, some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. आपने देखा एम ए टी? पुराने जमाने में इंडिया में मेरे मामा की थी एम ए टी, ऐसा बहुत डीजल पेट्रोल खाती थी। बहुत पेट्रोल खाती थी उस टाइप की है ना एम ए टी। पूरा कुछ है ही नहीं, बचा नहीं आपको दिखाना जाना। देखो पूरा वही लग रहा है मुझे। मेरे मामा की एम ए टी थी, बहुत पुरानी थी, इतना पेट्रोल खाती थी ना पूछो मत। वैसे लग रहा देख के होंडा का ही है अभी 50 cc। अभी थोड़ा आइसक्रीम हो जाए, ऐसे इतना धूप है आप देख सकते हो। अपने मुंबई की तरह इतना टेम्परेचर नहीं है यहाँ पे, अराउंड 20 degrees होगा, 20-21 degrees, बट धूप जो है बहुत हार्श होती है यहाँ पे। ऐसा लगा कुछ ठंडा खा लिया है, पियो करो, तो मतलब बेटर आइसक्रीम ही खा लो। तो सब हम लोग बैठे हुए आइसक्रीम खा रहे हैं अभी। इसका तो अपना चोकोबार, चोकोबार नहीं होगा मतलब हेल्दी बार। थोड़ा आइसक्रीम खा लेंगे, बैठेंगे और आधा बचा है जो उतना घूम लेंगे। Been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. ये तो तंग कर रहे हम लोग को ना। उधर भाग रहे। What? No. सब भगा रहे इसको, है ना, यहाँ से ना निकालना ही नहीं चाहिए था। निकाल दे वैसे तंग कर। तो
के ऊपर जाली लगा के रखा है, जाली के वजह से ये लोग उड़ के बाहर ना जाए। तो उनको इंडिया के लिए उन्होंने पूरा फ्रीडम भी दिया हुआ है और ऊपर से जाली लगा के रखा है। सर कुछ ज़्यादा खुश नहीं हो गई है जुआ के प्रणाम में इसकी उड़ गई। Oh, here comes Dad. Big monkey, monkey. ये जो जू है ना, कम से कम अभी मैं देख रहा था नोटिस पे, तो वहाँ पे ये जू का जो लैंड एरिया है, मतलब ज़मीन फैला हुआ जू बनाया उन्होंने, कम से कम 15 हेक्टेयर ज़मीन पे बनाया। 15 हेक्टेयर, एक हेक्टेयर मतलब कुछ 2.5 एकड़ होता है, आई थिंक सो, मैं कंफर्म नहीं हूँ, पर 2.5 एकड़ का एक हेक्टेयर होता है। तो ऐसे 15 हेक्टेयर्स में ये लैंड फैला है पूरा जू का। तो और ये बनाया था एक्चुअली फर्स्ट जू, मतलब बना था यहाँ पे 1930 में ये जू बनाया गया था। वो मैं वही चेक कर रहा था इनका हिस्ट्री, तब मुझे पता चला ऑकलैंड जू का। अच्छा खासा सिस्टमेटिक सब कुछ है, आप देख सकते हैं। मेरे पूछे है ना, पूरा कैफ़े उन्होंने खाने का पूरा ओपन करके रखा है, मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं कि सिर्फ जू में घूमो, खाना पीना सब कुछ है। और अच्छा खासा है, लाइक ऐसा लो स्टैंडर्ड का कुछ नहीं है। यू विल फील लाइक आपको ऐसा लगेगा कि यू नो अच्छे फाइन डाइन रेस्टोरेंट्स में आया हो, जहाँ पर आपको बेटर सर्विस मिलती है, सेल्फ सर्विस मिलती है। सो आई लाइक इट। और उन्होंने लास्ट ईयर जब आए थे ना, उसे थोड़ा ज़्यादा डेवलपमेंट किया है, मतलब यहाँ पे पहले टाइगर्स नहीं थे, अभी टाइगर लेके आए। हालांकि हमको दिखा नहीं टाइगर कहाँ पे तो होगा वो कोने में, बट दिखा है, लाया उन्होंने टाइगर्स। देन एक्वेरियम उन्होंने बनाए, इस साल ही बनाए आफ्टर कोविड जो हुआ था, उसके बाद बंद रखा था उन्होंने, उसके बाद वो कोविड में पूरा इन्होंने डेवलपमेंट किया था। तो एक्वेरियम बनाया उन्होंने, देन टाइगर लेके आ गए वो लोग। देन लास्ट टाइम लायन दिखे नहीं थे हमको, बट इस टाइम लायन दिखे हमको। तो ऐसे अच्छे खासे चीज़ें की है। देन वही जो बोला था, ये जो था जू उन्होंने 1930 में बनाया है, मतलब खुला है ऑकलैंड जू बोल के। उसके बाद दूसरा एक आता है हैमिल्टन जू, वहाँ पे कभी गया नहीं, बट अगर मुझे मिला देन आई विल गो देयर टू यू नो विजिट, आपको दिखाऊँगा मैं ज़रूर। सो बस अभी थोड़ा रिलैक्स हो रहे और जूस पी रहे गर्मी में, गर्मी बहुत है यार। अभी टेम्परेचर बताओ तो आपको कितना है, आप देख सकते हो टेम्परेचर यहाँ पे है, अभी देखो आपको दिख रहा है 21 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, बट इतना हीट फील हो रहा है ना कि बताओ मत। तो ऐसा लग रहा है कि चलो थोड़ा ठंडा जूस हो जाए। तो चलो मिलते हैं बाद में, ओके। ये पूरा मर्चेंडाइज है उनका, तो ऑब्वियसली ये लोग डायरेक्टली ऐसे भी सेल करते हैं ना, अर्निंग होता है इनका। अच्छा खासा टॉय और महंगे बोलते हैं। अच्छा था मेरा एक्सपीरियंस एक जू के लिए, और आपको भी दिखाया कैसा है जू। नॉर्मल था, थोड़ा एंजॉय कर लिया, एनिमल्स देख लिया। यहाँ पे सीन क्या है मालूम है क्या आपको, मैं एक बोल दूँ कि यहाँ पे जो सीन है ये है, जो भी बुलाया ना यहाँ पे एनिमल्स है, यहाँ के नहीं है, न्यूजीलैंड में नहीं है। एलिफेंट्स हुआ, यू नो टाइगर हुआ, हाथी भी थी, ये सब एशिया अफ्रीका वहाँ से मंगाए हुए हैं। तो वहाँ से मंगा के उन्होंने यहाँ पे जू डेवलप किया है अराउंड 1930s में। तो उसके मतलब बात बहुत सारे फेल्यूर्स भी हुए ऑब्वियसली, एकदम से जू भले तुम एनिमल लेके आ रहे हो, ये वेदर में उसको एडजस्ट होना पड़ता है ना। तो बहुत सारा स्टडीज़ करके पूरा जूलॉजी वगैरह डिपार्टमेंट उन्होंने मेहनत है इनके पीछे, उन्होंने ऐसा एनवायरमेंट क्रिएट किया, वातावरण तैयार किया कि बाबा एनिमल यहाँ पे सेफली रह पाए, ऐसा किया। देन उन्होंने फाइनली अच्छा खासा डेवलप किया है अभी। तो जितने भी एनिमल्स हैं सब एशिया, साउथ अफ्रीका वहाँ से आए हुए, श्रीलंका है ना, वो सब पार्ट से इन्होंने ये इम्पोर्ट किया हुआ एनिमल्स है। तो अच्छा था देखने के लिए। लायन मैंने देख लिया, टाइगर नहीं देख पाया बस, और चीता नहीं देख पाया। देखते अभी इंडिया में चीता आया, और नेक्स्ट ईयर जाऊँगा अभी इंडिया, तब जाके चीता ज़रूर देख लूँगा मैं। तो बस आज के वीडियो में इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।